नमस्कार, आप बिहारी न्यूज देख रहे हैं, मेरा नाम निशा है। जमुई के रहने वाले मजदूर सहदेव कोड़ा की कहानी सुनकर आपके भी आंखों में आंसू आ जाएगा। कोई कितना भी कठोर दिल क्यों ना हो, उसका मन पसीज जाएगा। सहदेव का परिवार भुखमरी के कगार पर है। वो अपनी पत्नी और बेटी का पेट भी नहीं भर पा रहा है। इनकी दो बेटियां हैं। ऐसे तो हमारे देश में गरीब, पिछड़ी और आदिवासी समुदाय के लिए घोषणा खूब होती है। इनके लिए कई योजनाएं भी लागू की जाती है, लेकिन फिर भी ये लोग अपनी ज़िंदगी को गरीबी और मुफलसी में जीने को मजबूर रहते हैं। इन लोगों के लिए कागज़ पे कल्याण का तो खूब काम होता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही होती है। अपनी बीमार पत्नी का इलाज कराते कराते एक पति कर्जदार बन गया। इस शख्स की पत्नी मानसिक रूप से बीमार है। पत्नी का झाड़ फूँक से इलाज कराने की वजह से पति अब परिवार को भर पेट भोजन तक नहीं करा पा रहा है। मामला जमुई ज़िले के बरहट प्रखंड का बताया जा रहा है। इनकी पत्नी विगत एक साल से मानसिक तौर पर विक्षिप्त है। पति दैनिक मजदूरी किया करते थे, लेकिन अब पत्नी का इलाज कराने की वजह से मजदूरी भी नहीं कर पा रहे, जिसके कारण स्थिति दयनीय हो गई है। इनकी दो बेटियां हैं, एक 8 वर्ष की और एक 5 वर्ष की। अब घर पर दो वक्त का पेट भरने पर भी अनाज नहीं है। भुखमरी के कगार पर पति अब पहुंच चुका है। पत्नी का नाम रानी देवी बताया जा रहा है, जो एक साल से बिस्तर पर है। सहदेव कोड़ा ने बताया कि पहले वो मजदूरी करके दो पैसे कमा लेते थे, तब से कमाई भी बंद हो गई है। पत्नी मानसिक रूप से बीमार है। बेटियां अपने माँ के पास नहीं जाती है। लोगों ने बताया कि झाड़ फूक से ठीक हो जाएगी, तो वो ऐसा ही करता रहा। सहदेव ने बताया कि अब तक झाड़ फूक में लगभग 50,000 रुपये खर्च हो चुके हैं और वो 50,000 रुपये कर्ज में डूब चुके हैं। यहाँ तक कि खेत में लगे पेड़ को भी बेच दिया गया, जमीन भी गिरवी रख दी गई, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब तक इस मामले में बरहट के BDO चंदन कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, मदद पहुंचाई जा रही है। बीमार महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल भर्ती करा दिया गया है। आगे जो भी होगा उस पर BDO ने कहा है कि एक्शन लिया जाएगा। बहरहाल, आप तमाम न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए बिहारी न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें।